Welcome everyone. In the previous lecture, we'll discuss the abiotic component of an ecosystem. वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था abiotic का temperature and the light, जो ये काफ़ी important points थे. अब जो बच रहे हैं वो है soil, water है जो importance में है, वो soil है जो questions पूछता है. ठीक है, तो इस वजह से हम लोग सॉइल को काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट जो सॉइल को एक दूसरे नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एडैफिक फैक्टर. एडैफिक बोलते हैं क्योंकि कुछ ऑप्शन में एडैफिक आता है, जैसे फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे सॉइल फैक्टर और एडैफिक फैक्टर कहते हैं. तो एडैफिक इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉइल. अब दूसरी बात क्या है कि On the basis of soil condition, there are 7 ecological group of plant. जैसे हम लोगों ने suggestions में देखे थे 5 types के, उसके जो है कि suggestions थे, उसी तरीके 7 types के group of ecological plant है on the basis of soil condition. So the first one is halophytes. प्लांट दैट ग्रो इन सेलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल में जो ग्रो करते हैं उसको हेलोफाइट्स बोलते हैं. सेमोफाइट्स, प्लांट ग्रो इन सैंड. लिथोफाइट्स, प्लांट दैट ग्रो ऑन रॉक सरफेस, रॉक के सरफेस पे जो है वो है आपका लिथोफाइट्स. और चेस्मोफाइट्स दैट ग्रो इन रॉक सर्विसेस, जो दरारे के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं, लाइकेंस वगैरह. ठीक है, तो उनको जो है चेस्मोफाइट्स हम कहते हैं. सरसोफाइट्स, प्लांट्स ग्रो इन वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड में ग्रो करते हैं उनको सरसोफाइट्स करते हैं. इरेमोफाइट्स, प्लांट्स ग्रो इन ड्राई एरिया, ड्राई एरिया में जो ग्रो करते हैं उसको इरेमोफाइट्स. एंड प्लांट दैट ग्रो इन लो टेम्परेचर और कोल्ड सॉइल, दैट इज कॉल्ड द क्राइसोफाइट्स. दीज 7 टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं. तो ये देखिए, सबसे पहली बात क्या है, ये जो इकोलॉजी का लेक्चर हम ले रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर कंटेंट जो हम बोर्ड पर ही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे डायग्रामेटिक बेस्ड नहीं है जिससे हम आपको समझा सकें. यहाँ इकोलॉजी में ज़्यादातर ओरल ही समझाया जाता है. ओरल में समझाने को कुछ नहीं है, आप हम भी समझा दें, लेकिन क्या है, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूट जाएँ, और वो छूट जाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम हो जाएंगे, वही छूटा हुआ पॉइंट्स में भी क्वेश्चंस के फॉर्म में सामने आ रहे. इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि सारे पॉइंट्स आपके सामने हो और मैं अच्छे से उसे आपको एक्सप्लेन कर सकूं और सारे मार्क्स आपको मिल सके. तो दीज 7 आर दी सॉइल कंडीशन जहां पर प्लांट ग्रो करते हैं, ये टर्म्स आपके इंपॉर्टेंट है. अब बात आती है एडैफिक सॉइल क्या होते हैं. देखिए, जो अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट होती हैं उनको हम सॉइल करते हैं, और इनका जो फॉर्मेशंस होता है ये वेदरिंग ऑफ रॉक से होता है. जब बड़े बड़े चट्टानें टूटती हैं तो सॉइल बनते हैं. ठीक है, और ये जो बनते हैं ये मिक्सचर होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल के. इसके लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल का, तो सॉइल की डेफिनेशन आएगी. तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक. देखिए, अपर मोस्ट लेयर, वेदरिंग ऑफ द रॉक, इट इज द मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल. तो ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. क्या है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, दूसरा क्या है कि वेदरिंग ऑफ रॉक से बनते हैं, और ये लिविंग मटेरियल नॉन लिविंग के मिक्सचर होते हैं. अब सॉइल जो बनते हैं इनका जो कंपोजिशंस है ये क्या होते हैं, तो ये मिनरल्स इसमें जो है 45% मिनरल्स होते हैं, 25% वाटर, 25% एयर एंड 5% ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. फिर से सुनिएगा, मिनरल्स 45%, 25% वाटर, 25% एयर एंड 5% ऑर्गेनिक मैटर से सॉइल बनते हैं. ठीक है, अब जो ये सॉइल का फॉर्मेशंस है ये काफी स्लो प्रोसेस है. ठीक है, 1 inch ऑफ सॉइल, 1 inch जो सॉइल का है इतना फॉर्म करने में 500 to 1000 years लग जाते हैं. तो देखिए, सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस. 1 inch soil is formed
इन 500 to 1000 ईयर, 500 से 1000 साल लग जाते हैं एक इंच सॉइल को फॉर्म करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या डेवलपमेंट ऑफ सॉइल को हम पीडोजेनेसिस कहते हैं, और स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं, पीडोलॉजी या फिर इडेफोलॉजी, क्योंकि इडेफिक को कहते हैं इडेफोलॉजी और पीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। यह हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो सॉइल मिनरल्स मैटर, सॉयल्स में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती हैं तो जो रॉक्स की वेदरिंग होती है तो जो रॉक्स के जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट साइज में जो है कि फॉर्म होते हैं, तो दैट सॉइल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइज सॉइल पार्टिकल्स आर नोन एज, उनको किस नाम से कहते हैं। तो ये देखिए सॉइल के टाइप्स हैं और साइज ऑफ द पार्टिकल्स हैं। तो जो सबसे छोटे होते हैं उसको बोलते हैं क्ले। क्ले एकदम जो है कि एकदम मतलब कि मिट्टी होती है एक तरीके से, एकदम चिकनी मिट्टी जिससे जो है आपके घड़े वगैरह बनते हैं, जो मूर्तियां वगैरह बनती हैं टेम्परेरी वो मिट्टी के ही बनते हैं। इनके जो सॉइल के साइज के पार्टिकल लेस देन 0.02 mm, ठीक है। तो ये साइज आपके क्वेश्चंस पूछते हैं कि साइज ऑफ द पार्टिकल किसके क्या होते हैं, इस वजह से हमने आपको यहां पर दिया सेट। इससे जो बड़े साइज हैं इस ऑर्डर में यहां पर मैंने दिया, सेट है 0.02 to 0.02 mm। देन द फाइन सैंड, छोटे छोटे जो हैं बालू के कण होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फाइन सैंड, 0.02 to 0.20 mm। देन कोर्स सैंड 0.20 to 2 mm। ग्रेवल्स जो थोड़े स्टोन टाइप्स में आ जाते हैं तो 2 mm to 5 mm। कोर्स ग्रेवल अबव 5 mm के जो ऊपर होते हैं उनको हम कोर्स ग्रेवल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सॉइल मिनरल्स मटेरियल है। अब देखिए जनरली थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल्स होते हैं, सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल एंड सिल्ट सॉइल। उसमें से जो सबसे बेस्ट सॉइल होता है, सबसे बेस्ट सॉइल इज द लूमी सॉइल। लूमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल। अब इसको बेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, प्लस हाई एरेशन एंड हाई रूट पेनिट्रेशंस होते हैं। तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाई एरेशन एंड रूट पेनिट्रेशंस इसमें काफी अच्छा होता है, इस वजह लूमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या, अब सॉइल्स में वो ऑर्गेनिक मैटर जो हेल्प करता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म आता है वो है ह्यूमस। व्हाट इज ह्यूमस, अब ह्यूमस क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उसको कहते हैं ह्यूमस। डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। अब उसी को ह्यूमस कहते हैं, विच इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यही प्लांट्स और एनिमल्स का डिकम्पोजिशन होता है और उसको ही हम ह्यूमस कहते हैं। अब जो फ्रेशली प्लांट या एनिमल्स सॉइल पर या फिर लैंड पर गिरते हैं और उसको जो है कि बैक्टीरिया फंजाई एक्ट करते हैं तो उसको हम लिटर बोलते हैं। फ्रेशली प्लांट एंड एनिमल, दैट इज कॉल्ड द लिटर। फ्रेशली प्लांट एंड एनिमल्स और उस पर जो है एक्ट करते हैं उसको लिटर। पार्शली डिकम्पोज लिटर इज कॉल्ड द डफ। जो पार्शली होते हैं उनको हम डफ कहते हैं, पार्शली। और जो कंप्लीटली डिकम्पोज होता है दैट इज कॉल्ड द ह्यूमस, ठीक है। तो देखिए फ्रेशली कॉल्ड द लिटर, पार्शली डफ एंड कंप्लीटली जब डिकम्पोज होते हैं उसको ह्यूमस कहते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस में कई प्रोसेस हैं। फॉर्मेशंस ऑफ ह्यूमस क्या है कि जो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर या डिकम्पोजर्स होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है।
अब उनको जो ब्रेक डाउन करते हैं वो आपके जनरली बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं। तो कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू इनका ब्रेक डाउन होता है। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड लीचिंग, थर्ड कैटाबोलिज, फोर्थ ह्यूमिफिकेशन ह्यूमिफिकेशन एंड द फिफ्थ वन इज मिनरलाइजेशन। तो सबसे पहले आपका फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, डेट्रीवोर्स जो आपके अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं आपके डेट्रीवोर्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद आता है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये नीचे की ओर चले जाते हैं, सॉइल होराइजंस के नीचे की तरफ इनका जो है कि पार्टिसिपेशंस होता है और वहां पर सॉइल अनअवेलेबल सॉल्ट सॉल्ट जो है वहां से हट जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द लीचिंग। फिर आता है कैटाबोल। देखिए सब वर्ड जो है सब तोड़ने फोड़ने वाले ही वर्ड है, फ्रेगमेंटेशन को ब्रेक डाउन, लीचिंग में भी ब्रेक डाउन करके सॉइल के प्रोफाइल्स में नीचे चले जाते हैं उसको लीचिंग कहते हैं। कैटाबोलिज्म में क्या, इसमें भी ब्रेक डाउन होता है, बैक्टीरिया फंजाई जो है कि इंजाइम डिग्रेड करते हैं डिट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो है कि इनको चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। फिर आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, उसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, और डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस का फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ह्यूमिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज द मिनरलाइजेशन, दैट बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इंटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस By secreting the enzyme, वो enzyme को secretes करते हैं, उसको breakdown करते हैं, minerals में change करते हैं, that is called the mineralization। तो generally क्या है कि जो decomposers हैं वही है breakdown करते हैं, तो there are five steps to form the humus। Clear हुई बात, तो ये है आपका soil organic matter। और जो बेस्ट पीएच है आपके सॉइल की, द बेस्ट पीएच इज 5.5 टू 6.5, बेस्ट पीएच ऑफ सॉइल इज 5.5 टू 6.5। अब जो लास्ट आता है सॉइल में वो है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है कि आप जब वर्टिकल सेक्शंस करते हैं सॉइल का, जब आप डिग करते हैं तो आपको कई लेयर्स में सॉइल दिखती है, उसी को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो जो सबसे ऊपर दिखती है तो वो टॉप सॉइल सब सॉइल में डिवाइड किया गया है ए बी सी डी जोन में। तो ए वाला जो जोन है वो चार सब पार्ट्स में आपके डिवाइड है, सबसे ऊपर उसको ओ वन और ओ जीरो जीरो, ओ टू ओ जीरो, ए वन ए टू बी सी डी है। तो हर जोन में क्या प्रेजेंट होता है ये इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ऊपर है ओ वन या ए जीरो जीरो है, दैट इज कॉल्ड दी, यहाँ जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ मेड अप ऑफ लीटर, यहाँ पर लीटर बनते हैं, ठीक है। ओ टू या ओ जीरो यहाँ पर डफ बनते हैं जो पार्सली डिकम्पोजिशन होता है। ए वन में क्या होते हैं, डार्क कलर ह्यूमस इज प्रेजेंट, जो ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं वो डार्क कलर में यहाँ पर होते हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है ए वन, यहाँ पर क्या है डार्क कलर ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं। ए टू में क्या है, ह्यूमस और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं पर यहां पर क्या होती है लीचिंग होती है। क्लियर है बात। बी में क्या है, स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स और मिनरल्स आर प्रेजेंट, स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स एंड मिनरल्स यहां प्रेजेंट होते हैं। सी में इनकम्प्लीट वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स इनकम्प्लीट इनकी वेदरिंग होती है, मतलब प्रॉपर तरीके से टूट नहीं पाते हैं, ये रॉक्स के फॉर्म में होते हैं। डी जहां पर अनवेदर्ड होते हैं, यहां पर जो बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं रॉक्स काफी बड़े बड़े साइज में प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक जोन में क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, कौन सा फंक्शन वहां पर होता है, उसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, और इस रेस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा जो क्वेश्चंस आते हैं। This is about the soil. अब जो other abiotic component आता है, that is the water and the topography. Water में क्या है? Water में सभी जानते हैं कि water का बहुत बड़ा role होता है, ठीक है? Aquatic ecosystem को maintain
करने में, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म जो है मिलियंस और मिलियंस ऑर्गेनिज्म वाटर या एक्वेटिक इकोसिस्टम पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी पीएच है, परसेंटेज है, जो इतना पीएच रहेगा तभी वहाँ के ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, एंड दैट इज द लेस देन 5%। तो 5% जो है कि लेस देन होना चाहिए सॉल्ट का कंसंट्रेशन, तभी वो सर्वाइव करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो कि सेलाइन वाटर में रहते हैं, कुछ जो है फ्रेश वाटर में रहते हैं, क्योंकि वो अडेप्ट हो जाते हैं उस वाटर से, बट दे कांट लिव फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अदर वाटर। फ्रेश वाटर वाले जो हैं कि सेलाइन में नहीं रह सकते ज्यादा देर तक, और सेलाइन वाले फ्रेश में नहीं रह पाते, फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो इनका वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जैसे हमने डिस्कस किया था, वैसे यहाँ पर जो है कि वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट होते हैं या नैरो रेंज ऑफ होते हैं। तो उसमें जो दो टर्म्स हमने टेम्परेचर में डिस्कस किया था वो था आपका यूरल थर्मल, यहां पर यूरल सेलाइन, यहां पर वाइड रेंज ऑफ सेलाइन सेलिनिटी है, वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी। एंड द सेकेंड वन इज स्टेनो सेलाइन, एंड दिस इज द नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी। तो सेलिनिटी के बेस पर ये दो टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टेनोसेलाइन और यूरल सेलाइन, ठीक है। तो ये वाटर में आपको दो टर्म यहां पर सिर्फ याद रखना है। सेकंड नेक्स्ट आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है? इट इंक्लूड द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ लाइक द लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, स्लोप, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली, ये सब के बेस पर क्या है, अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिज्म जो है कि इसी डिस्ट्रीब्यूशंस में रहते हैं, और इसी पर क्या है फैक्टर्स, इसी टोपोग्राफी की वजह से जो है कि थोड़े चेंज होते चले गए। हर तरीके से प्रॉपर लाइट नहीं मिलती, हर जगह प्रॉपर टेम्परेचर नहीं होता, तो वेरिएशंस जो कह रहे हैं वो चीज़ें होती हैं टोपोग्राफी की वजह से। तो टर्म आता है टोपोग्राफी इज अ कंपोनेंट ऑफ एबायोटिक और बायोटिक, तो ये एबायोटिक में आते हैं। सिंपल इसमें क्या, फिजिकल फीचर्स होता है अर्थ का, जिसमें कि स्लोप्स है, एल्टीट्यूड है, वैली है, प्लेन्स है, और इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि लाइट, विंड, रेनफॉल जो है कि इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दिस इज अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारा एबायोटिक कंपोनेंट अच्छे से खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बायोजियोकेमिकल और न्यूट्रिएंट साइकिल के साथ। थैंक यू।